हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है रियलमी नार्जो 70 टर्बो। आज इस वीडियो में इस फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे 100% से 0% तक सिर्फ BGMI खेलकर। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज यहां पे चेक कर लीजिए, 100% बैटरी है। सिर्फ बैटरी नहीं दोस्तों, डिजिटल वेलबिंग के अंदर जाके डैशबोर्ड के अंदर कौन सा एप्लीकेशन हम लोग यूज किए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आज हम लोग टोटल 32 मिनट्स तक फोन को इस्तेमाल किए और डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद यहां पे देखोगे BGMI को 10 मिनट, अंतु बेंचमार्क को 8 मिनट, तो ऐसे करके बैटल ग्राउंड इंडिया बेसिकली BGMI हम लोग 2 मिनट तक इस्तेमाल किए। तो बीच-बीच में मैं आप लोगों को टाइमर दिखाने वाला हूं और डिजिटल वेलबिंग भी दिखाने वाला हूं कि कितने टाइम तक हम लोग BGMI एप्लीकेशन को यूज किए, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर कट आंसर मिल जाए। और उसके पहले इस फोन का स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MediaTek Dimensity 7300 NRG प्रोसेसर है, 5000 mAh का बैटरी है, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलता है और हमारे पास है 8GB 128GB वेरिएंट। देखिए बैटरी डेंटेस्ट होने के बाद हम लोग फिर से चार्ज में लगाएंगे और फुल चार्ज करके देखेंगे कि कितना जल्दी जल्दी ये फुल चार्ज भी होता है। तो इसी वीडियो में इसका चार्जिंग टेस्ट और बैटरी डेंटेस्ट दोनों वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन के ऊपर हम लोग अंतुतु बेंचमार्क को भी रन किए थे, 680,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है। अब चलो BGMI एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, BGMI के ग्राफिक सेटिंग के अंदर चलते हैं। देखिए इस फोन में आप लोग ना स्मूथ 90fps करके BGMI खेल सकते हो, यह देखकर मैं हैरान रह गया। बेसिकली इस Amazon Great Indian Festival सेल में ये फोन आपको 15,000 रुपीस के नीचे मिल रहा है। इस प्राइस में 90fps करके गेम चलना बहुत बड़ी बात है, ऊपर से HDR के अंदर आप लोग 60fps करके खेल पाओगे। देखिए हम लोग 90fps करके भी खेलेंगे, इवन 60fps करके भी HDR सेटिंग के अंदर खेलेंगे और देखेंगे दोस्तों कितना बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिल पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैच को स्टार्ट कर दिए हैं। 1 घंटा हो चुका है और मैं कंटिन्यू यहाँ पे BGMI खेल रहा हूँ। अब चलो बैटरी परसेंटेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कितना परसेंट बैटरी यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए अभी 88% बैटरी है, यानी कि 12% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटे में। अब चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। देखिए फ्रंट साइड में 38 के आसपास है और अगर आप लोग पीछे में देखोगे, पीछे में 36 तक चला गया है, उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। 90fps करके गेम काफी अच्छा चल रहा है, उतना ज्यादा fps नहीं गिर रहा है दोस्तों, और लैग जिटर वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जब पहले गेम शुरू किया था तब थोड़ा सा मुझे अटक रहा था जब पहले गेम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी तरीके से चला। अब चलो हम लोग यहाँ पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं, स्मूथ एंड 90fps सेटिंग के ऊपर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे और देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के टाइम में कितना जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। 3 घंटा हो चुका है और मैं लगातार यहाँ पे BGMI खेल रहा हूँ, एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा मिल रहा है। देखिए 90fps करके पिछले 2 घंटे से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेल रहा हूँ, जबरदस्त एक्सपीरियंस मुझे मिला है दोस्तों। लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप वगैरह मुझे उतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ। खैर अब चलो बैटरी परसेंटेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट बैटरी बचा हुआ है और अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। बैटरी के अंदर देखोगे, देखिए 57% अभी भी बैटरी बचा हुआ है। अब अगर डिजिटल वेलबिंग में जाके देखोगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए BGMI एप्लीकेशन हम लोग 3 hours 2 minutes तक खेले हैं, तो 3 घंटे तक हम लोग कंटिन्यू BGMI ही खेल रहे हैं और टोटल हम लोग जो इस्तेमाल किए वो भी चेक कर लीजिए, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में आप लोगों को दिखा दिया था कि 33 मिनट के आसपास हम लोग फोन को यूज किए थे। खैर दोस्तों अभी हम लोग ग्राफिक्स को चेंज करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर HDR एंड एक्सट्रीम सेटिंग यानी कि 60fps करके ही खेलेंगे और देखेंगे HDR के अंदर एक्सपीरियंस कैसा मिलता है, लैग वगैरह होता है कि नहीं। हीटिंग चेक कर लीजिए 40 के आसपास है फ्रंट साइड में, अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे में 37 के आसपास है, तो नॉर्मल है, उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं। 4 hours कंप्लीट हो चुका है और मैं लगातार BGMI को प्ले कर रहा हूँ। अब चलो मैं आप लोगों को बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। 43% बैटरी अभी बचा हुआ है और यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग में आके अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 hours 33 minutes तक हम लोग फोन को इस्तेमाल किए और यहाँ पे BGMI खेले हम लोग 4 hours 1 minute के आसपास। तो ऑब्वियसली दोस्तों 4 घंटे से हम लोग कंटिन्यू BGMI ही खेल रहे हैं। अब चलो HDR सेटिंग के अंदर ना हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को और 1 घंटे के लिए इनेबल करके चेक करेंगे दोस्तों और देखेंगे HDR सेटिंग के अंदर कितना अच्छा BGMI चलता है। और आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे कि BGMI अच्छा चलता है कि नहीं, साथ ही में बैटरी कितना अच्छा बैटरी बैकअप देता है वो भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा।
5 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मैं लगातार यहाँ पे TDM खेल रहा हूँ HDR एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेल रहा हूँ तो उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अटक रहा है, थोड़ा सा FPS गिर रहा है, 46-50 FPS के आसपास ही चल रहा है दोस्तों। हाँ, अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके HDR सेटिंग के अंदर 60 FPS करके BGMI खेलोगे थोड़ा सा लैग या FPS गिरेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करोगे तो काफी अच्छा गेम प्ले चलता है। खैर अभी चलो मैं आप लोगों को बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। अभी 26% बैटरी बचा हुआ है और यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग के अंदर जाके यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर BGMI के अंदर चलते हैं। देखिए 5 hours 1 minute तक हम लोग यहाँ पे BGMI खेले हैं कंटिन्यू। अब चलो हीटिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। फ्रंट साइड में 41-42 के आसपास है और पीछे में देख लीजिए, पीछे में 39-38 ऐसा ही कुछ है। तो पीछे उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है, जो भी हीट अप हुआ है वो फ्रंट साइड में। अभी दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे HDR एक्सट्रीम सेटिंग से हम लोग स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके इस बार ट्राई करेंगे, क्योंकि स्मूथ के अंदर 90 FPS हम लोग खेले हैं, स्मूथ के अंदर 60 FPS हम लोग नहीं खेले हैं। तो यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके ही कुछ मैच खेलते हैं। फाइनली स्विच ऑफ हो चुका है 6 hours 22 minute में। अब कुछ टाइम के लिए इस फोन को हम लोग रेस्ट देते हैं और उसके बाद चार्ज में लगाएंगे और देखेंगे चार्ज होने के टाइम में ये फोन हीट होता है कि नहीं और कितना टाइम में ये फुल चार्ज होता है। इस फोन को मैंने चार्ज में लगा दिया। अब चलो टाइमर को स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट के बाद देखते हैं कितना चार्ज होता है। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे चार्जिंग के पास देखिए 16% चार्ज हुआ है, वो भी 10 मिनट में। 35 मिनट हो चुका है, अगर आप लोग चार्जिंग के पास देखोगे 60% चार्ज हुआ है। अब हीटिंग टेस्ट करके देखते हैं कि ज्यादा हीट अप होता है कि नहीं। देखिए ये फोन 36 के आसपास हीट अप हुआ है, 36-37 के आसपास, 36-37 के आसपास हीट अप हुआ है तो नॉर्मल है, उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। फाइनली दोस्तों इस फोन में 100% चार्ज हो चुका है, वो भी 1 hour 19 minute में। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और ये था दोस्तों चार्जिंग टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।